पद्म श्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हमारे बीच आ चुके हैं, एक बार तालियां बजाकर पहले उनका स्वागत करें। और सतीश जी, एक कवि आया, उनको माला पहरा दो। ये तो आत्मनिर्भर बनो, खुद ही उठाकर पहन लो। अशोक जी पहना रहे हैं, अरुण जी पटका डाल रहे हैं। ताली तो बजा दो भाई, ऐसा क्या ऐसे रिक जाते, कविता सुनते जो भी बजाते हैं। ये अशोक बिहार के लोग हैं, बोले इन बात तो बता नहीं बजाते, हम कविता सुनेंगे उसके बाद बजाएंगे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, पद्म श्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हास्य के लाजवाब कवि हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं, थोड़ा विलम्ब से आए लेकिन आए। इन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा और नहीं आऊँगा तो ये बताए नहीं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मैं चाहूँगा कि जब वो आए हैं तो क्यों ना वहाँ से यहाँ उठ के इस माइक तक भी आ ही जाए, फिर हम आशीष अनिल को सुनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा हास्य की हिलोर और उठे इस सभागार में, इस पंडाल में। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पद्मश्री को, जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें डॉक्टर सुरेंद्र। अरुण जेमनी मेरा छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई है। रावण को उसी ने निपटाया, सुग्रीव बाली का छोटा भाई है, बाली को उसी ने निपटाया, प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई। देर से आया, क्या करूं, भारतीय विमान की सेवा ऐसे ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। जो दोष लगाना हो आप एयर इंडिया इंडिगो पे लगाओ, मेरे ऊपर क्यों लगाते हैं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तगड़ा है, मैं पहली बार आया हूँ लेकिन अंदर घुसते ही समझ गया, सनातन भवन से यहाँ तक आते तक समझ गया आपका कॉन्फिडेंस तगड़ा है। मैं एक आदमी से पूछा, कैसे आपका बेटा तुतलाता है क्या, बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। विल पावर बहुत तेज है, कैसे दो मतली में मान लिया। भगवान राम का यज्ञ है, रावण को आपने अभी मारा है। मैं तो एक बात नहीं समझ पाता, रावण को हर साल हम मारते हैं फिर उसको जिंदा कौन कर देता है। मैं 10 साल रामलीला में पाठ किया। अच्छा, अरुण को पता है मैं 10 साल रामलीला में पाठ किया हूँ, 6 साल राम, 2 साल लक्ष्मण, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं 2 साल सीता भी बना। है करने की बात नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। और जब रावण आया तो मेरे को देखा तो अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया, इसको क्या रंग दे। लेकिन एक बात है, थोड़ा संस्कारों के क्षरण का दौर है। आप अपने बच्चे को दशहरे में ले जाते हैं, बोलते हैं चलो बेटा तुमको रावण दिखाता हूँ। हर बाप यही बोलता है, चलो दशहरा रावण दिखाता हूँ। रावण दिखाने के कारण रावण की ऊंचाई बढ़ती गई, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, और राम भगवान वैसी टुइया के टुइया। आप अपने बच्चे को दशहरा में रावण मत दिखाइए, ये मत बोलिए कि रावण दिखाना है, ये बोलिए चल बेटा मैं तेरे को राम दिखाता हूँ। तब संस्कार बचेगा, तब हमारी स्थिति बचेगा। क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या आए तो माता कौशल्या ने कहा, मार दिया रावण को। भगवान राम का जवाब मेरे कवि सम्मेलन की शुरुआत की पंक्तियां हैं। मार दिया रावण को, भगवान राम ने कहा, रावण अति पराक्रमी अति बलशाली विद्वान प्रकांड पंडित, रावण रक्षा स्रोत का शिव तांडव स्रोत का लिखने वाला रचयिता, उसको मैं क्या मारूंगा, उसको तो उसके मैंने मार दिया। अहंकार को खत्म करना, अधर्म को खत्म करना ही दशहरे का महत्व है। और आप आए हैं,
समय का बड़ा क्षरण है। आज अगर कोई लड़की एक ने मेरे साथ सवाल कर दिया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, प्रेम विवाह और नियोजित विवाह में क्या अंतर है? मैंने कहा देखिए, जो नियोजित विवाह है जो माँ बाप करते हैं, उसमें आदमी जाता है और कोई सांप अचानक आके काट देता है, लेकिन लव मैरिज में आदमी पैर आगे करके सांप को बोलता है, आह काट, दैट इज लव मैरिज। ताली बजाओ, सांस लेना है। ये स्थिति है। जब पुष्प वाटिका में माता जानकी गई और भगवान राम को देखी, उन्होंने भगवान राम को प्रपोज नहीं किया क्या बहुत क्यूट लग रहे हैं और ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन लगाया, वो माँ गौरी के पास गई और सीता जी ने गौरी जी से निवेदन किया, जय जय जगदम्बा जग जननी गजवदन खड़ानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी जय सर्व मंगला वरदाता, तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो अर्धांगनी हो अखिलेश्वर की, अंतर्यामिनी घट घट वासिनी किस तरह कहूं उर अंतर की। उन्होंने प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन लगाया, माता गौरी ने आशीर्वाद दिया, हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, यही आशीष हमारी है। ये बदला दौर है, नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके लिए भाई ने जिक्र भी किया, बेटी आगे बढ़ती है। लेकिन आप, मैं भाभियां जो बैठी है उनसे बताना चाहता हूँ, भाभियां घर में रहती हैं तो एकदम मैला मैक्सी, मैला गाउन, रंग छूटा हुआ टी शर्ट, घर में टिप टॉप नहीं रहती। मैं पूछा भाभी जी घर में ऐसा क्यों रहते हैं, बोले बेटे भाई देवर साहब देखेगा कौन, अरे देखने वाला तेरा पति बैठा है ना, वो देखेगा ना, तू मेकअप तो कर। अच्छा बाहर जाएगी तो फुल टिप टॉप मेकअप फाउंडेशन लगा दो। तो भैया ये श्रृंगार किसके लिए है, पति के लिए कि बाजार वालों के लिए? अच्छा फिर अगर कोई देखेगा तो बोलेगी देखो कुत्ता देख रहा है, कैसे कुत्ते के समान देख रहा है, और अगर कोई नहीं देखे, साला कुत्ता देख भी नहीं रहा। बड़ा संकट है पुरुषों, एक बार सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, धार्मिक भी सुनाता हूँ। मल्लिका शेरावत का नाम लेने पे चेहरों पे बुजुर्गों की जो चमक आई है उसको प्रणाम करता हूँ। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोच के टीवी सामने बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना, बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। मैं बड़े छोटे गांव से आता हूँ, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ सरकार में मैं 15 साल तक मंत्रालय में सेक्रेटरी रहा, अभी अभी मैं वहाँ से कार्य मुक्त हुआ। मैंने अमेरिका के 42 शहरों में कविता पढ़ी है। 80 में पहली बार मैं अमेरिका गया, वो मेरी पहली हवाई यात्रा थी। उसके पहले मैंने हवाई जहाज देखा नहीं था। दिल्ली एयरपोर्ट में जब हवाई जहाज चला बहुत देर तक सड़क में, तो हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी है कि बात नहीं, इज्जत से बात करना चाहिए। मैंने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए है, सड़के सड़क में जा रहा। बोले नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होगा, थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा, एक दूसरा एयर होस्टेस आई। हमने कहा काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था, सांस लेना। उसका उम्र ज्यादा था एयर इंडिया का। मैंने कहा काकी हवाई जहाज कितने ऊपर उड़ रहा है, आदमी चीटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं चीटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। हम कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे, ये अरुण जेमनी तो लगातार हवाई यात्रा वाला, अपन तो बसेड़ू कवि है। ये क्या है, फिल्मी जी दुनिया को अगर गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट को गर्व है कि उनके पास धोनी है,
संत समाज को गर्व है कि उनके पास आसाराम है, राजनीति को गर्व है कि उनके पास दिग्विजय सिंह है, तो हमको भी गर्व है हमारे पास अरुण जेटली। ये हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय, ये कई बाल्टी दूध देती है। मेरा क्या है, मैं तो देसी हूं, पाव दो पाव दे के निकल लेता हूं। जब नहीं बैठे डोमेस्टिक में, तो हमने अरुण को फोन लगाया, भैया ये डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा हूं। अब मैं लगातार घंटी बजाऊं, ब्राह्मण आदमी खाऊं। लोग कहते हैं ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं, ब्राह्मण ज्यादा नहीं खाते हैं, ब्राह्मण अच्छा खाते हैं, और जब अच्छा बनता है तो ज्यादा खा लेते हैं। पहले क्या था, सतयुग था, लोग ना ब्राह्मणों को खिलाते थे फिर खाते थे। अब जमाना बदल गया, लोग ब्राह्मणों को दिखा दिखा के खा रहे। आप कुछ मत करो, एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाओ और नॉन स्टॉप बैठ के खाओ, डेढ़ घंटा पूछो मत, ब्राह्मण सदमे में मर जाए। अब मैं लगातार खाऊं लगातार खाऊं, थोड़ी देर बाद वो आ गई छिपकिल्ली, एयर होस्टेस, बोली 1200। मैं बोला कहे का? बोले इसका। मैं बोला वो अरुण तो बोलता नहीं लगता, पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है। मैं बोला अरे तुम तो रामप्यारी हो। बोले आप तो पहचान लिए, मैं तो आप ही के घर बर्तन मांगती थी। तो यहाँ का डिजिग्नेशन चेंज हो गया है, काम तो वही है। मैं बोला रामप्यारी तुम्हारे साथ हमारे गांव का वो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना समारू, वही तो जहाज को चला रहा। बहुत संकट, लादेन मरा, मैं बहुत टेंशन में आ गया, लादेन मरा कैसे? भाई साहब आप लोग को भी ताली बजानी है, भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आयोजक ताली नहीं बजाए। लादेन मरा, मैं बहुत टेंशन में आ गया, लादेन मरा कैसे? मैंने, मेरा छोटा भाई एक और बैठा है, वीर रस का अंगार, धर्मी अग्नि धर्मा कवि भाई आशीष सेनल, उससे पूछा यार ये लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सेटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए, मैंने बहुतों से पूछा है बराक ओबामा हिंदुस्तान क्यों आए? बराक ओबामा हिंदुस्तान आए मैनेजमेंट सीखने के लिए, और व्यापारियों से बड़ा मैंने ताली बजाओ मालो पहना है। व्यापारियों से बढ़िया मैनेजमेंट को कोई नहीं जानता। ये बच्चे जो एमबीए में पढ़ते हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम लागत ज्यादा प्रॉफिट, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका नाम है बजरंग बली। लंका में आग लगाई मिट्टी तेल रावण का, माचिस रावण का, कपड़ा रावण का, और लंका भी रावण की। जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट, ऐसी विश्वगुरु थोड़े हम, ऐसी विश्वगुरु नहीं है। लेकिन क्या करोगे, देश की स्थिति ऐसी है, आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, पैदाइशी कंफ्यूज, एक फादर स्कूल में एक फादर घर में, बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाइए, जाकर बैठिए, आंटी एक कप चाय रखेगी पिंटू बेटे, फिर एक बच्चा टाई बांध के आता है, अंकल को पोयम सुनाओ, फिर वो चालू हो गया, डिंग डॉंग बेल, पुसी इन द बेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी दिन, हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी स्टाउट, जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को, मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है, अमेरिका के 42 शहरों में कविता पढ़ी है। अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और आपकी मातृभाषा है जो बच्चे को संस्कार दे सकती है।
संस्कार को जिंदा रखिए, संस्कार को। गरीबी, महंगाई, बेकारी, भुखमरी ये आज नहीं कल खत्म हो जाएगी, लेकिन संस्कार खत्म हो जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 203 देश हैं विश्व के ग्लोब में, सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां छोटे बड़ों के पैर पड़ते हैं। ये संस्कार सिर्फ हिंदुस्तान में और कहीं नहीं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग को कभी टच नहीं करना चाहिए, ये एक्सपायरी डेट की दवाई है, फट से रिएक्शन करती है। अच्छा, हर बुजुर्ग यही से चालू करता है, अपने जमाने की बात बताएगा। हमारे जमाने में वो कनाट प्लेस में 4 फुट जमीन था, तो भैया लिया क्यों नहीं 25-50 एकड़। हमारे जमाने में 10 रुपया लेकर जाओ तो एक बोरा सामान लेके आते थे, ला सकते हो। उस जमाने में दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, आप 20 बोरा ला सकते हो, कौन रोक रहा है। लेकिन एक बात समझ जाइए, ये आंगन की तुलसी है, ये गांव का पीपल है, ये हमारे प्यार की गश्ती है, और अगर ये है तो जवानों में मस्ती है। इसलिए बुजुर्ग का सम्मान करिए, उन्हें उनको उनका आशीर्वाद लीजिए। मैं वस्त्र गोत्रीय सरयूपारी ब्राह्मण, वस्त्र गोत्रीय सरयूपारी ब्राह्मण मतलब मैं तुलसीदास जी का डायरेक्ट वंशज, आत्माराम दुबे के खानदान का। मेरी पत्नी हमेशा मेरे को बोलती थी, तुम आत्माराम दुबे गोस्वामी तुलसीदास के वंशज हो, उनके गोत्रज हो, तुम बढ़िया अच्छा कविता रामचरितमानस टाइप क्यों नहीं लिखते। मैं बोला देख बात को समझ, रामचरितमानस लिखने के लिए तुलसीदास को सिचुएशन मिला था। पहले पत्नी हुई गुस्साई, मायके गई, फिर लतियाई, धमकाई, चमकाई, तब वो तुलसीदास बन पाए। तू तो गुस्साने का नाम ही नहीं लेती, तो मैं तुलसीदास बनूं कैसे। आधी रात को मैंने पत्नी को सोते से उठाया और अपने तुलसीदास बनने का डिसीजन सुनाया। पत्नी बोली गजब कर रहे हो, रात को 12 बजे तुलसीदास बन रहे हो, सो जाओ सुबेरे सूरदास बनो। फिर मीठा गाओगे, खूब कमाओगे। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं, जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, मात्रा नहीं होती, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। पाठ दो लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना, दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, पूरा लोड आप लोग क्यों ले रहे हैं। सुन रहे क्या है, ताली से कोई कविता बड़ी नहीं होती है। आप व्यापारी लोग हैं, आप समझते हैं, जब मूलधन के प्रति ब्याज ज्यादा मिलता है तो मूलधन व्यक्ति बढ़ा देता है। कविता हमारा मूलधन है और तालियां उसका ब्याज है। जितना ब्याज आप देंगे हम उतना मूलधन आपको देंगे। हिंदी की क्लास थी, बस आखिरी कविता, मेरे को नहीं मालूम था, मैं तो 2 घंटे के में तो गलत तर होता है, पता नहीं है, मैं पढ़ते रहता, सुबह हो जाती है। अच्छा मुझे बताया कि टाइम कम है, हर आदमी के पास टाइम कम है। जितने बैठे हैं दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते हैं, टाइम नहीं है। हर आदमी बोलता है, पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 125 करोड़ होगी। पूरा देश कहता है टाइम नहीं, और हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं, जिसको देखो टाइम नहीं है। आप कभी छत्तीसगढ़ आए, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान तो इतना बढ़िया बनवाया है भाई साहब, देखो तो मरने का। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट,
ये प्रवीण गया, बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको देखो भाई साहब टाइम नहीं है, हम तो आइए जिसको देखो टाइम नहीं है आदमी, क्योंकि समय बदल गया है, दुनिया बदल चुकी। आज बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, इतने में आप 11 बजे रात को हमारी सुन रहे हैं, कम बड़ी बात। और हंसिए क्योंकि रुलाने के लिए आपके रिश्तेदार ही बहुत हैं, इसलिए हंसिए। हंसेंगे तो पूरी दुनिया आपकी है, रुलाना तो कोई भी कर सकता है, हंसाना बड़ा कठिन काम है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो टॉयलेट जाता है वहाँ भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में SMS आ गया, पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाएं तो बाहर कैसे आए? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। दो लड़कियां जा रही थी आपस में बात करी, तेरा कौन सा, तेरा कौन सा, क्या है? दरअसल अब मैं बदले हुए दिल्ली को देखता हूँ, मैं पहले दिल्ली आते हुए मेरे को 40 साल हो गए, आज बदली हुई दिल्ली है। आज अगर कोई बहू शादी के 4-5 महीने बाद नींबू इमली खाए तो सास को खुश नहीं होना चाहिए कि उम्मीद में, ये भी हो सकता है कि रात की दारू ना उतरी। बदला हुआ परिवेश, सासें इतनी तेज हो गई हैं, इतनी तेज हो गई है, एक पोते को खिला रही थी, वो पोता हंसते स्लिप हो गया। बहू कॉन्वेंट की पढ़ी हुई, उसका डोंट टच माय चाइल्ड, कल से मेरे बेटे को मत छूना। और दिल्ली की सास का जज्बा देखो, और अगर उस सास का जवाब आपको अच्छा लगे तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। उसकी सास ने कहा, हाँ बहू तू मेरे बेटे को मत छूना, मैं तेरे बेटे को नहीं छू। लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं। लड़कियां आजकल माँ बाप का नाम नहीं पूछती, मोबाइल का सीरीज पूछती। दो लड़कियां जा रही थी आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा, बोले ऐसे, बोले तेरा, बोले मेरा भी ऐसे। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया, बोले 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, बैटरी में बहुत कम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी बस हो रही है, जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा, और अभी अभी कह रहे हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। क्या करें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। इसलिए आज पड़ोसी के दुख के लिए और अपनों के सुख के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। अरे मरने वाले आदमी ने कल एक बात कही है, जल्दी ले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कितने वर्षों से कवि सम्मेलन हो रहा है मुझे पता नहीं, कितना साल हो गए, बहुत साल हो गए ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो, महाभारत काल से हो रहा है कवि सम्मेलन, और उसका नहीं, मेरा क्या, मैं मुगलों तक पहुंचा दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, नहीं महाभारत काल पुराना था, मुगलों तक पहुंचा दूं, कोई दिक्कत नहीं। आज एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, बड़े लोग बैठे हैं, आप सब इतने साल से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, हम व्यवस्था, सरकार, नेता, पुलिस सबके ऊपर कविता पढ़ते हैं, चाहे हम मोदी जी के ऊपर भी पढ़ते हैं, हम युवराज के ऊपर भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पढ़ने से होता क्या? तब एक 8 पंक्तियां रखता हूं कि जहां तेरा वजूद किश्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। क्या बात है, वाह। जहां तेरा वजूद किश्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। गरीबी के लिए बिक, महंगाई के लिए बिक, बेकारी के लिए बिक, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। बहुत अच्छा। मेरे खोखले शरीर में बहुत दम है,
इस देश में कविता लिखना के आत्महत्या से कम है, तो कलम सलामत है मेरी तो किस्तों में क्यों बिकूं। आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं, आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं, थाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर या अस्मत लुटाकर मिले मुट्ठी भर चावल पर, नेताओं के कुर्सियाना हवस पर या भूखे बच्चों के बाल दिवस पर। अरे जिंदा हूं तो अशोक विहार में मुर्दा कैसे दिखूं, आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और अशोक विहार में फिर से अगले कवि सम्मेलन में आपको बुलाए, कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएं। नमस्कार, जय जय।